जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीबी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी, शास्त्री, राजगढ़, झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वालों को कोई गुड लक शुभ सूचना अथवा कोई नया धंधा, व्यापार, बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरी राशि है वृक। वृक राशि वालों को आपको आज के दिन स्वास्थ्य को लेकर कोई मानसिक तनाव, बेचैनी, चिंता हो सकती है। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आज आप कोई नया व्यापार, बिजनेस अथवा भूमि, भवन जैसा काम प्रारंभ कर सकते हैं। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसी स्थितियां भी बन रही हैं। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आपको आज के दिन कृषि अथवा किसी व्यापार के क्षेत्र में नई ऊंचाई, नया कोई पद प्राप्त हो सकता है। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसी स्थितियां भी आपकी आज के दिन बन रही हैं। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को आज के दिन आपको मानसिक तनाव, बेचैनी कम होगी एवं नया बिजनेस प्रारंभ आप कर सकते हैं या कोई काम में हाथ डालते हैं तो आपका काम सिद्ध संपन्न हो सकता है। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को पूर्ववत किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं तो नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसी भी स्थितियां बन रही हैं। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को आपको आज के दिन किसी व्यापार अथवा धंधे को लेकर के आप कहीं अपने शहर से बाहर जा सकते हैं। दशम राशि मकर। मकर राशि वालों को आपको आज के दिन कोई शुभ संकेत या कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी एवं नया धंधा, बिजनेस, व्यापार आप प्रारंभ कर सकते हैं। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आपको आज के दिन भूमि, भवन जैसे प्लाट, प्लॉटिंग का इत्यादि व्यापार करते हैं आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। बारहवीं राशि मीन। मीन राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसी स्थितियां भी बन रही हैं अथवा आज से या आज के दिन आप किसी भी कृषि अथवा व्यापार, फैक्ट्री, मकान इत्यादि जैसे बिजनेस में हाथ डालेंगे तो आपका काम श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।